अरे राहुल, बैलगाड़ी को हल्के हल्के चला रहे हो आप। तेजी से चलाओ, नहीं तो सर का छूट जाएगा मेरा। पता नहीं कितनी देर में मेले में पहुंचेगी तुम्हारी ये बैलगाड़ी। कहां से मैं तुम्हारी बैलगाड़ी के पीछे बैठ गया? एक तो तुमने मुझे बिल्कुल पीछे बैठा रखा है, सबसे पीछे बैठा हुआ हूँ मैं। शिवराज सिंह जी, आपको इतनी आफत है तो जाके नीचे उतर जाओ मेरी बैलगाड़ी से। खाली बेपालतू की आफत मचाए पड़े हो। अरे गाँव के मेले में हमें भी तो पहुँचने की जल्दी है, अगर छूट जाएगा सर्कस तो हम क्या करें? पहला ही तो 100 छूटेगा, सर्कस के 300 होते, दूसरा 100 देख लेना। क्या करूं, बैलगाड़ी सवारियों से ओवरलोड है, इसीलिए मेरे बैलगाड़ी को बैल खींच ही नहीं पा रहे। तो राहुल, तुमने अपनी बैलगाड़ी पर इतनी ज्यादा सवारी क्यों बैठा ली? कम सवारी बैठाते बैलगाड़ी पे और जल्दी मेले में पहुंच जाते। इतनी सवारी अगर किसी कार में होती तो चालान कट जाता कार का। अरे योगी जी, घर से क्या नीम खा के आए हो जी, इतनी कड़वी बात बोल रहे हो? अरे ये सामने तो मोदी ट्रैफिक इंस्पेक्टर जी है, ये क्यों रोक रहे हैं मुझे? रोक लो राहुल, अपनी बैलगाड़ी को यही रोक लो। क्या हुआ मोदी सर जी, क्यों रोक रहे हो? बैठोगे बैलगाड़ी पर? बैठ जाओ, मेले की ही तरफ जा रहे हैं, आप भी मेले की तरफ जाना चाहते होंगे, बैठ जाओ बैलगाड़ी पर। राहुल, बैलगाड़ी पर बैठना गया भाड़ में। राहुल, तुम्हारी बैलगाड़ी ओवरलोड है, इसीलिए ओवरलोड पर तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान कटेगा। लेकिन मोदी सर जी, बैलगाड़ी का चालान तो आज तक मैंने कटते नहीं देखा। राहुल, बैलगाड़ी का चालान तो काटना पड़ेगा क्योंकि तुमने बैलगाड़ी को ओवरलोड कर रखा है। अरे मोदी सर जी, हमारा सर्कस छूट जाएगा, हमें जल्दी से जल्दी मेले में जाने दीजिए। मेरे बेटे राहुल की बैलगाड़ी का चालान मत काटो। सोनिया जी, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर तुम्हें इतना ही बैलगाड़ी पर जाने का शौक था तो अपने बेटे से बैलगाड़ी को ओवरलोड क्यों कराया? अच्छा मोदी सर जी, एक बात बताओ, इस बैलगाड़ी पर कितने लोग बैठने की अनुमति है और कितने लोगों पर इस बैलगाड़ी का चालान कट जाएगा? मुझे नियम समझाओ। आप बेफालतू में राहुल को परेशान कर रहे हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे नियम समझाओ। अमित शाह जी, इस बैलगाड़ी पर 5 लोगों को बैठने की अनुमति है, छठा व्यक्ति होगा इस बैलगाड़ी पर तो बैलगाड़ी का चालान कट जाएगा। अब तुम खुद ही देख लो बैलगाड़ी पर कितने लोग बैठे हुए हैं। मोदी जी, मेरी बैलगाड़ी पर तो 6 लोग बैठे हुए हैं। मोदी जी, आज छोड़ दो, इसके बाद बैलगाड़ी पर 5 लोग से ज्यादा नहीं बैठाऊंगा। चलो ठीक है, तुम्हारी बैलगाड़ी को राहुल आज छोड़ देता हूँ, लेकिन आज के बाद 5 लोगों से ज्यादा बैलगाड़ी पे नहीं बैठाना। जाओ जाके मेला देखो और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, गड्ढे उड्ढे में ऑटो रिक्शा को हल्के से डालना, मैं पीछे लटका पड़ा हूँ बिल्कुल, कहीं मैं गिरूर ना जाऊं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, आप अपने ऑटो रिक्शा को इतना ओवरलोड भर क्यों लेते हो? सवारी बिल्कुल बाहर तक लटकी हुई है। अमित शाह जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जरा एक बात बताओ, मैं गांव से शहर ऑटो रिक्शा चलाता हूं, अगर मैं कम सवारी भर के अपने ऑटो रिक्शा में ले जाऊंगा तो काम चल जाएगा? बस हाँ, बाहर लटकी हुई सवारी से मेरी एक ही विनती रहती है, पकड़ के सही से रखना ऑटो रिक्शा को। मोदी जी, हम तो सही से पकड़े हुए हैं अपने ऑटो रिक्शा को, वो देखो सामने थानेदार योगी सर जी खड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं वो आपके ऑटो रिक्शा को ना पकड़ ले। अरे नानू जी, ये कहाँ से सामने पड़ गए, ये तो बड़ा दिक्कत कर देंगे। कई बार मैं इनसे बचते बचाते निकलता हूँ लेकिन यही सामने आके पड़ जाते हैं। रोको मोदी जी, रोको अपने ऑटो रिक्शा को, यही पे रोको। योगी सर जी, ऑटो रिक्शा को रोक तो लिया, और कितना रोकूं? मोदी जी, मुझे आपकी तलाश थी, कई दिन से मैं आपकी तलाश कर रहा था, आखिरकार आप मिल ही गए। ये बताओ मोदी जी, थोड़ी बहुत सवारी और नहीं थी, और बैठा लेते अपने ऑटो रिक्शा पर? नहीं होगी सर जी, और सवारी नहीं थी, और सवारी होती तो और भी बैठा लेता मैं। मोदी जी, मजाक करते हो मुझसे? मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आप इतनी ज्यादा सवारियों को बाहर लटका के ले जाते हो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? आपके ऑटो रिक्शा का अभी चालान काटता हूँ ओवरलोड में। मोदी जी, चलाओ ना अपने ऑटो रिक्शा को, जल्दी से मुझे शहर पहुँचाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अखिलेश, तुम्हें अपनी ट्रेन छूटने की पड़ी है, पहले योगी जी मेरे ऑटो रिक्शा को तो छोड़े। अगर इन्होंने मेरे ऑटो रिक्शा को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी ट्रेन बाकई में छूट जाएगी। योगी सर जी, इस बार मेरा चालान मत काटो, इस बार मेरे ऑटो रिक्शा को छोड़ दो, आज के बाद मैं अपने ऑटो रिक्शा पे ओवरलोड सवारी नहीं बैठाऊंगा। मोदी जी, चालान तो कटेगा ही कटेगा आपके ऑटो रिक्शा का, चाहे कुछ भी कर लो। थोड़ी बहुत सवारी होती है आपके ऑटो रिक्शा पर तो छोड़ देता। वैसे नियम के हिसाब से आप अपने ऑटो रिक्शा पे कितनी सवारी बैठा सकते हो, और इस टाइम कितनी सवारी है बताओ मुझे। योगी जी, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी ऑटो रिक्शा था, नियम के हिसाब से ये अपने ऑटो रिक्शा पे 5 सवारी बैठा सकते हैं, और इस टाइम इनके ऑटो रिक्शा पर अंदर और बाहर कम से कम 15 सवारी हैं। राहुल, तुम्हें सारा का सारा चिट्ठा खोलकर योगी जी के सामने रखने की क्या जरूरत थी? अब तो ये हर हाल में चालान काट देंगे मेरे ऑटो रिक्शा का। चलो मोदी जी, अच्छा ही हुआ, आज के बाद अगर आपके ऑटो रिक्शा का चालान कट जाएगा, उसके बाद कम से कम आप हमें बाहर तो लटका कर नहीं लाओगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, आप बेफालतू में मेरी साइकिल पे बैठ रहे हो, योगी जी बैठे हुए हैं, आप पीछे से बैठ रहे हो। अरे मेरी साइकिल पे 3 जने बैठने से मेरी साइकिल टूट सकती है। बस अखिलेश, थोड़ी दूर तक मुझे अपनी साइकिल पे बैठा लो, तुम्हारी साइकिल पे बैठते हुए बहुत मजा आता है। तुम्हारी साइकिल इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, बहुत मजबूत साइकिल है। एक बार मैं तुम्हारी साइकिल एक दिन के लिए मांग के ले गया था,
पता है तुम्हें? हाँ मोदी जी, कुछ दिन पहले आप मुझसे साइकिल मांग के ले गए थे, तो क्या हुआ बताओ? मैंने तुम्हारी इस साइकिल पे 10 जने बैठाए थे, हालांकि तुम यकीन नहीं करोगे इस साइकिल में कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अखिलेश ने किसी वजह से आपको साइकिल दे दी होगी, उसने सोचा आप कहीं जाओगे, लेकिन आपने उसकी साइकिल पर 10 लोग बैठाए, अगर टूट जाती साइकिल तो? चलो मोदी जी एक बात मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ी दूर तक ही मैं आपको साइकिल पर घुमाऊंगा, उसके बाद उतर जाना। अरे ये क्या, सामने राहुल इंस्पेक्टर जी चले आ रहे हैं, ये क्यों चले आ रहे हैं? अखिलेश अपनी साइकिल को यही रोक लो, यही पे रोक लो अपनी साइकिल को, कतई यही पे रोक लो। क्या हुआ राहुल इंस्पेक्टर जी बताइए, क्या बात है? अखिलेश जी एक बात बताओ मुझे, मोटरसाइकिल पे तो चलो लंबी सी एक सीट होती है, उस पे 3 लोग बैठ जाते हैं, फिर भी चालान कट जाता है, लेकिन तुम्हारी साइकिल पर बैठने के लिए कई लोगों की सीट है? राहुल सर जी, एक मेरे बैठने के लिए, एक पीछे बैठने के लिए, एक आदमी के लिए। और तुमने अभी अपनी साइकिल पे कितने लोग बैठा रखे हैं? एक तुम साइकिल चला रहे हो, ऊपर से मोदी जी योगी जी पीछे बैठे हुए हैं, तो कुल मिलाकर तुम्हारी साइकिल पर 3 लोग बैठे हुए हैं, चालान तो कटेगा। मोदी जी मैं आपको मना कर रहा था, मत बैठो मेरी साइकिल पे, मत बैठो, लेकिन आप नहीं माने। अब ये बताओ चालान कटेगा, इस चालान का पैसा कौन देगा? मैं क्या जानू अखिलेश, तुम्हारी साइकिल है, साइकिल का चालान कटेगा, पैसा तुम ही दोगे? तुमने मुझे अपनी साइकिल पे बैठाया ही क्यों? तुम अगर अपनी साइकिल पर मुझे बैठाने से मना करते तो मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी बैठ जाता। देखो योगी जी मोदी जी कैसा पलटा मार रहे हैं, ये जबरदस्ती अपनी साइकिल पर बैठे और फिर भी कह रहे हैं कि मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी बैठा हूँ। अबे फालतू में मेरी साइकिल का चालान कट रहा है, क्या करूँ? राहुल सर जी आज मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद अपनी साइकिल पर 3 लोग नहीं बैठाऊंगा। अखिलेश ऐसी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, चालान तो कटेगा ही कटेगा। तुमने 3 सवारी अपनी साइकिल पे बैठाई कैसे? 2 सवारी बैठाते चालान नहीं काटता मैं। मुझे माफ करना अगले, चालान तो काटना पड़ेगा साइकिल का। लाओ 2000 रुपए निकालो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।